नमस्कार, मैं पंडित गोपाल उपाध्याय डॉक्टर अनुरोम उपाध्याय कारोई संपूर्ण विश्ववासियों को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि अपन देख रहे हैं, कोरोना महामारी की विभीषिका जो है विकराल रूप से धारण करके भारत में और विश्व में सभी जगह फैली हुई है और ये दूसरी लहर सबसे बड़ी खतरनाक साबित हुई भारत के लिए। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण ब्रह्मांड के ग्रहों में परिवर्तनीय स्थिति आना भारत के लिए विकराल रूप बन गया है और इसमें सुधार की जो उम्मीद है, अभी वर्तमान में जो स्थिति का सामना हम देशवासी कर रहे हैं, ये 29 मई 2021 के बाद कुछ हद तक धीरे धीरे इस कोरोना महामारी से हमें राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ये भी ब्रह्मांड में ग्रहों की परिवर्तन स्थिति के कारण होगा, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड में आखिर ऐसा कारण क्यों बना जिसकी वजह से वैश्विक महामारी एक विकराल रूप धारण करके विभीषिका बन गई, मौत का कारण बन गई? तो उसका मूल कारण था कि 30 अप्रैल 2021 के दिन राहु के साथ आखिरी के वृषभ राशि में बुध का आ गया और बुध का वृषभ राशि में आना और उसके कुछ ही समय बाद 4 अप्रैल 2021 को शुक्र का भी जो है इसमें वृषभ राशि में आ जाना और उसके कुछ ही समय बाद 14 मई 2021 को सूर्य भी वृषभ राशि में आ जाएगा और इन सभी ग्रहों के कारण ग्रहण योग ब्रह्मांड में बना है और उस ग्रहण योग के कारण और आंशिक रूप से ब्रह्मांड में काल सब दोष का निर्माण हो गया जो क्षणिक हुआ है और इसके कारण राहु और केतु दोनों संक्रमण के कारण क्षेत्र हैं और इन संक्रमण के कारण ग्रहों की वजह से ये रोग बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर गया। इसकी धीरे धीरे जब ये ग्रह वापिस विघटन होने लग जाएंगे, अलग अलग बिखरेंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग राशियों में परिवर्तन कर जाएंगे, तब इसमें तत्काल वापिस राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगी और ये जो विघटन ग्रहों का आपस में अलग अलग राशि परिवर्तन होना 29 मई 2021 को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और यहीं से भारत में जो है कोरोना महामारी के आंकड़े धीरे धीरे नियंत्रण में आएंगे, धीरे धीरे नीचे आने लग जाएंगे और 15 जून 2021 के बाद सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा, यहीं से संपूर्ण भारत में जो है भारत सरकार और राज्य सरकारों के ये सभी कोरोना महामारी के जो बिगड़ते हुए हालात हैं नियंत्रण में आने लग जाएंगे और यहीं से भारत में धीरे 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 करके करते करते 7 जुलाई 2021 के बाद आम जनजीवन वापस व्यवस्थित पटरी पर जनमानस आने लग जाएगा और यहाँ से धीरे धीरे वापस अपने नॉर्मल जीवन को हम प्रारंभ कर देंगे। इसलिए इस संक्रमण के कारण ये बीमारी फैलती है, इसलिए आम जनमानस विश्ववासियों से मेरा निवेदन है कि आप 2 गज की दूरी बना कर रखें, मास्क नियमित रूप से इस्तेमाल करें, घर में रहें या बाहर में कहीं पे भी रहें तो, और सैनिटाइज का इस्तेमाल करें और इस महामारी का अंत अभी निकट नहीं है, इसलिए आप ये ना समझ बैठें कि हम लापरवाही कर जाएंगे तो बच जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि राहु और केतु जब तक और शनि राशि परिवर्तन नहीं करेंगे तीनों ग्रह, तब तक ये कोरोना महामारी किसी न किसी रूप में विश्व में मौजूद रहेगा, इसका बैक्टीरिया और ये सिम्टम्स देखने को मिलते रहेंगे। और कब राशि परिवर्तन होगा? तो ये राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा 14 अप्रैल 2022 को, इसके कुछ समय बाद 30 अप्रैल 2022 को शनि का राशि परिवर्तन होगा, जब कुंभ राशि में स्वर राशि में शनि चला जाएगा, उस समय विश्व से धीरे धीरे कोरोना मुक्ति की तरफ बढ़ने लगेगा। तब तक हमें हर हाल में सावधानी बरतनी है और तमाम केंद्र सरकार और राज्य सरकार और जिस भी देश की सरकार है जो कोरोना गाइडलाइन का पालना बताती है, हम अच्छे नागरिक की तरह उनका कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और डॉक्टरों की टीम और डॉक्टरों की जितनी भी मेडिकल टीमें होती है जो जो हमें गाइडलाइन बताती है उसका अनुसरण करें। इसी के साथ निर्भय होकर के, सावधान और सजग होकर के रहें, जितना ज्यादा आप निर्भय रहें और जितना ज्यादा आप सजग रहेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, सैनिटाइज का प्रयोग करेंगे, उतना जल्दी इस महामारी पर हम नियंत्रण पा पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, सावधान रहें, सुरक्षित रहें।